स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूजिंग टेंसरफ्लो एंड द केरास। सो हेयर वी आर यूजिंग टेंसरफ्लो एज अ बैक एंड विच इज बेसिकली यूज फॉर डूइंग कंप्यूटेशन एंड द केरास विच इज यूज फॉर हाई लेवल APIs फॉर डिज़ाइनिंग न्यूरल नेटवर्क। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पर टेंसर फ्लो को इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, STF। ठीक है, टेंसर फ्लो को हम यहाँ पर एज अ बैक एंड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना, जो कि कंप्यूटेशन के लिए जो बैक एंड में जो है न्यूरल नेटवर्क का जो भी कंप्यूटेशन होगा उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, और इसके बाद हम जो है यहाँ पे जो इंपोर्ट करने वाले हैं वो है TF.Keras। TF.Keras एक हाई लेवल API है। ठीक है, जिसमें कि टेंसर फ्लो के साथ केरास को क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया, एक मॉड्यूल है ये। ठीक है, जिससे कि हम बैकएंड में टेंसर फ्लो का यूज़ करके कंप्यूटेशन करते हैं और केरास का यूज़ करके ये हमको जो है न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे केरास को एज ए आप फ्रंट एंड समझ सकते हैं और TF को यहाँ पे आप बैक एंड की तरह देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे TF.Keras का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करने से पहले हमको डेटा सेट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, TF.Keras मॉड्यूल का यूज़ करके केरास में यहाँ पर एक पैकेज होता है डेटा सेट का, डेटा सेट्स। इसमें से हम इम्पोर्ट करेंगे MNIST डेटा सेट। MNIST डेटा सेट जो कि इमेजेस का जो इंटीजर्स होते हैं आपके, सॉरी डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स का डेटा सेट है ना, उनकी इमेजेस का डेटा सेट है ये। अब इसको लोड करने के लिए यहाँ पे हम लोड अंडरस्कोर डेटा इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इस कोड से क्या होगा, आपका डेटा सेट लोड हो जाएगा। ठीक है, अब पर हमको इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमको फोर वेरिएबल्स का यूज़ करना होगा। फोर वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है डेटा सेट में एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, है ना। तो इनपुट को एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना होगा और आउटपुट को एक अलग वेरिएबल में स्टोर करना होगा, है ना। और इनपुट में भी दो तरीके के इनपुट होंगे, एक तो ट्रेनिंग इनपुट होगा, एक टेस्टिंग इनपुट होगा। ऐसे आउटपुट में भी दो होंगे, टेस्टिंग इनपुट और टेस्टिंग आउटपुट। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स बना लेता हूँ चार, X_train ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और दूसरा वेरिएबल हो गया मेरा Y_train। ठीक है, ऐसे मैं एक और दो दो वेरिएबल्स और बना लेता हूँ, X_test और Y_test। ठीक है, तो TF.Keras.datasets.MNIST.loadData से हमको चार वेरिएबल के वैल्यूज़ मिल जाएगी, एक तो ट्रेनिंग इनपुट, टेस्टिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट और टेस्टिंग आउटपुट, है ना। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो ये रन हो गया। अब अगर आपको देखना है कि आपको अगर ये देखना है कि डेटा सेट किस टाइप का है, तो आप कोई भी एक इंडेक्स का यूज़ करके आप ट्रेनिंग इनपुट और टेस्टिंग इनपुट आप देख सकते हो। तो देखने के लिए पहले मेरे को मैट प्लॉट का यूज़ करना होगा, क्योंकि वो एक इमेज है, उसको मेरे को प्लॉट करना होगा। ठीक है ना, तो मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मैट प्लॉट को, इंपोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी .pyplot.splt। ठीक है ना, ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे को इमेज को प्लॉट करना है, इसलिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि डेटा सेट किस टाइप का है, उसके अंदर जो इनपुट है वो किस फॉर्म में है ना, और आउटपुट किस फॉर्म में है। तो इसलिए मैं मैट प्लॉट का यूज़ लाइब्रेरी का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो मैं plt डॉट सॉरी
पहले मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ जिसको मैं शो करना चाहता हूँ। इंडेक्स मैंने कोई भी, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो डेटा सेट है, डेटा सेट में जो है 60,000 सैंपल्स हैं, है ना। 60,000 सैंपल्स हैं, मैं आपको डेटा सेट दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके का कुछ आपका एमएनएस डेटा सेट है, उसमें हर एक इमेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेज दी हुई है। यहाँ पे 28x28 की पिक्सल्स की एक इमेज दी हुई है जो कि एक ग्रे स्केल इमेज है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 8 के कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेज है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेज है। तो यहाँ पे इस तरीके से 60,000 यहाँ पे सैंपल्स हैं, मतलब 60,000 इमेजेस हैं, और हर एक इमेज कितनी पिक्सल्स की है, 28x28 की, है ना। तो मतलब डेटा सेट का साइज़ क्या होगा यहाँ पे, 60,000x28x28। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60,000 हो गए यहाँ पे नंबर ऑफ़ सैंपल्स, 28 हो गए नंबर ऑफ़ रोज इन अ इमेज, एंड 28 हो गए नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन अ इमेज। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल ये डेटा सेट है, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको उसका किसी एक एक इमेज को प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम इंडेक्स ले लेता हूँ, 777, है ना। तो ये मैंने इंडेक्स ले लिया। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि डेटा सेट में जो इमेजेस हैं और मतलब इनपुट किस फॉर्म में और आउटपुट किस फॉर्म में है। तो मैं प्रिंट करता हूँ PLT, है ना, .im show image अगर होती है तो किसी इमेज को प्लॉट करने के लिए आप यूज़ करेंगे PLT.im show, है ना, इमेज शो। तो इसमें मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ एक्सट्रैन, यहाँ पे मैं इंडेक्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये वो इंडेक्स है जिसको मैं जिस इमेज को मैं देखना चाहता हूँ उसका इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको प्रिंट करके देखा, पहले मैं आउटपुट भी मैं देखूंगा यहाँ पे। ये तो हो गया इनपुट, और आउटपुट को प्रिंट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, प्रिंट, क्योंकि ये एक इमेज नहीं है, आउटपुट एक नंबर है, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट का यूज़ करूँगा, है ना, आउटपुट। या ऐसा कर देते हैं, बाय अंडरस्कोर प्रिंट, इंडेक्स, ठीक। इसको रन करता हूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट क्या है, 8 एक इंटीजर नंबर है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक इमेज दिख रही है, है ना, ये इमेज दिख रही है। तो इस तरीके से आपका डेटा सेट है। ये कौन सा इनपुट है, 7777, है ना, जो इंडेक्स डेटा सेट में जो 777 इंडेक्स पे जो इमेज है वो ये है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है, 8। तो आप देख रहे हैं ये 8 की एक इमेज है, ठीक है। तो ये आपका डेटा सेट है, ठीक है। तो ये तो आपने डेटा सेट देख लिया, ठीक है ना, जो कि 3 डायमेंशनल डेटा सेट है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपको अपने डेटा सेट को रीशेप करना होगा, ठीक है ना। रीशेप क्यों कर रहे हैं, मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपना डेटा सेट अभी 3 डायमेंशनल है, इसको मैं 4 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 4 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर देखना होगा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को पहले समझना होगा। तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में आपको पता, अगर आप लोग देख चुके हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, तो वहाँ पर सबसे पहला होता है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन, जो कि इनपुट इमेज और कर्नल के बीच में होता है ना। कर्नल एक फिल्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इमेज जो है RGB वैल्यूज़ होती हैं उसमें। एक इमेज 2D मैट्रिक्स तो होती ही है, ठीक है ना, पर यहाँ पे RGB वैल्यूज़ होती है, मतलब एक रेड चैनल होती है, ग्रीन चैनल होती है, ब्लू चैनल होती है ना। तो यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स कैसे, आपकी एक इमेज कैसी हो जाती है, 3 डायमेंशनल इमेज हो जाती है ना, क्योंकि उसमें रेड की वैल्यू, हर एक पिक्सल के कॉरस्पॉन्डिंग रेड, ग्रीन और ब्लू 3 वैल्यूज़ होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके एक इमेज कितनी हो जाती है, 3D मैट्रिक्स बन जाती है, है ना। तो अब जब इसके ऊपर अगर मेरे को कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मेरे को 3D फिल्टर का यूज़ करना होगा, क्योंकि 3D इमेज है आपकी,
है ना। तो अब जो आपका कन्वोल्यूशन जो मैं फंक्शन यूज़ करूँगा उसमें जो इमेज मेरे को एज ए इनपुट जो देनी होगी वो 3D इमेज देनी होती है। हालांकि मैं अभी जो है ग्रे स्केल इमेज यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे कि RGB वैल्यूज़ नहीं होती हैं, सिर्फ ये इसमें सिर्फ ये 2D मैट्रिक्स होती, बट फिर भी मेरे को जो है इसको 4 डायमेंशन कन्वर्ट करके इसको 3 डायमेंशन में इमेज को कन्वर्ट करके देना होगा, पर वहाँ पर नंबर ऑफ़ चैनल्स 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 चैनल्स हैं और हम ग्रे स्केल यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ एक ही चैनल यूज़ होगी, है ना। इसलिए मैं इसको जो है टू डायमेंशन से 3 डायमेंशनल में इमेज को कन्वर्ट करना है ना। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपका डेटा सेट अभी 3D है, मतलब 3D है क्योंकि ये 60,000 नंबर ऑफ सैंपल्स हो गए और इमेजेस कितने इमेजेस इमेज का डायमेंशन क्या है, 28x28, है ना। तो अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, 28x28x1, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ चैनल कितनी, 1 है ना। तो अब मेरा डेटा सेट कितना हो जाएगा, 4 डायमेंशन का हो जाएगा क्योंकि मैंने इमेज को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया है। पहले आपका इमेज 2D 2 डायमेंशन में था तो आपका डेटा सेट 3 डायमेंशन में था, अब मेरा इमेज 3 डायमेंशन में हो जाएगा तो डेटा सेट आपका 4 डायमेंशन में हो जाएगा। इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डेटा सेट को रीशेप कर रहा हूँ 3D से 4D में। सिर्फ मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, एक नई चीज़, नंबर ऑफ़ चैनल्स। नंबर ऑफ़ चैनल अपने डेटा सेट में कितनी है, 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैंड डॉट रीशेप, रीशेप फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं। रीशेप फंक्शन में मेरे को 4 डायमेंशन देने होंगे जिस डायमेंशन में मेरे को चेंज करना है। पहला डायमेंशन तो एज इट इज़ रहेगा, नंबर ऑफ इमेजेस, है ना, नंबर ऑफ इमेजेस किसके बराबर हैं, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप। आप डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं, है ना, ये आपको दे देगा कि कितनी उसके अंदर इमेजेस हैं, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा डायमेंशन कितना हो जाएगा आपका, 28, है ना, क्योंकि 28 रोज़ हैं, 28 कॉलम्स हैं, तो 28 और 1, 1 क्या हो गया, नंबर ऑफ़ चैनल्स, क्योंकि चैनल एक ही, क्योंकि ग्रे स्केल इमेज यूज़ कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये पहला जो मैंने लिखा एक्स अंडरस्कोर ट्रेंड डॉट शेप, ये आपको कितनी वैल्यू दे देगा, 60,000, क्योंकि नंबर ऑफ़ सैंपल्स कितने हैं यहाँ पे, 60,000 है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं किसको रिशेप कर दूंगा, टेस्टिंग डेटा को भी मैं क्या करूँगा, सॉरी हाँ, टेस्टिंग इनपुट को भी क्या कर दूंगा, मैं रिशेप कर दूंगा। अच्छा, पहले तो मैं एक्स ट्रेंड को मैंने रिशेप कर दिया, और मैं किस में इसको वो कर दूंगा, अलॉट कर दूंगा एक्स ट्रेंड में, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो ट्रेनिंग के लिए किया है, ऐसे टेस्टिंग डेटा सेट को भी अपन को किस में कन्वर्ट करना होगा, रीशेप करना होगा, है ना। तो ये अपना टेस्टिंग डेटा सेट को भी मैंने रीशेप कर दिया है, 3D से 4 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया है दोनों को मैंने, ठीक है। फिर मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट कि मेरा जो इनपुट होगा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के लिए, वो इनपुट का शेप क्या होगा, है ना। तो उसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, इनपुट शेप जो है मेरा, इनपुट में आप एक इमेज एज ए इनपुट दोगे, इनपुट आपकी यहाँ पे 2D इमेज थी आपकी, पर आप को इमेज कैसी देनी है, 3D इमेज देनी है, जैसे मैंने आपको बताया कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के लिए आपको 3D इमेज देनी होती है, आपको नंबर ऑफ़ चैनल्स भी डिफाइन करना होता है। तो नंबर ऑफ़ चैनल यहाँ पे 1 है ना, तो आपका इनपुट शेप क्या हो जाएगा, 28x28x1, क्योंकि 28 रोज़ हैं आपकी इमेज में, 28 कॉलम्स हैं इमेज में, और नंबर ऑफ़ चैनल्स कितनी, 1 है। तो मैंने इनपुट शेप भी यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, मेरा जो इनपुट है एक्स ट्रेन जो डेटा डेटा में जो मेरा इनपुट है उसको मेरे को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए डॉट एस टाइप फ्लोट 32 32 बिट फ्लोट,
फ्लोट में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसे मैं टेस्टिंग डेटा को भी कन्वर्ट करूँगा। टेस्टिंग आउटपुट और ट्रेनिंग आउटपुट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास नंबर कभी फ्लोट में नहीं होता है, वो एक इंटीजर वैल्यू होती है ना, क्योंकि वो एक कैटेगरिकल वैल्यू है। इसको मेरे को फ्लोट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एस टाइप फ्लोट 32। ओके, तो पहले मैं इतना ही प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इनपुट से मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया था। ओके, ठीक है, अभी तक प्रोग्राम सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब नॉर्मलाइज कर लेते हैं अपन अपने ट्रेनिंग इनपुट को। टोटल 255 वैल्यूज़ होती हैं, तो इसको जो है मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ बाई डिवाइडिंग विथ 255। ऐसे मैं टेस्टिंग को भी मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। हर एक वैल्यू को मैं 255 से डिवाइड लगा रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, तो ये मेरा ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा बन चुका है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अपना न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन करना है। तो न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैरास का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, कैरास जो है, जो लाइब्रेरी है, वो हमको न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए पैकेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं फ्रॉम कैरास, ठीक है, मॉडल डॉट मॉडल्स ना, इसमें मैं इंपोर्ट जो करने वाला हूँ वो सिक्वेंशियल क्लास को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। मॉडल्स पैकेज में से मैं किसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, सिक्वेंशियल क्लास को। ठीक है, ये जो सिक्वेंशियल क्लास है, ये हमको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है न्यूरल नेटवर्क के लिए, जिसमें कि हम लेयर्स को ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मॉडल को कंपाइल कर सकते हैं, मॉडल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मॉडल को लर्न करवा सकते हैं, फिट करवा सकते हैं, और मॉडल को एवेल्युएट करवा सकते हैं। तो सिक्वेंशियल जो क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जिसके कारण न्यूरल नेटवर्क को, जिसके यूज़ करके हम मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें लेयर्स ऐड कर सकते हैं कस्टम अपने अकॉर्डिंग, और उसको हम लर्न करवा सकते हैं, एवेल्युएट भी कर सकते हैं परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, मॉडल नाम से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सिक्वेंशियल क्लास का। ओके, इधर रन करता हूँ मैं। ठीक है, एरर है यहाँ पे मैंने। ओके, इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके, कैपिटल ले लिया है यहाँ पे एक्स। तो अब सिक्वेंशियल क्लास का जो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मॉडल, ठीक है ना, अब मॉडल जो है, जो ये ऑब्जेक्ट है सिक्वेंशियल क्लास का, ये इसके सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके। ठीक है, तो मैं जो पहला फंक्शन जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ वो है ऐड, है ना, मॉडल डॉट ऐड से मैं क्या कर सकता हूँ, CNN में जो है एक किसी भी लेयर को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो अब आपको पता होगा, अगर CNN आप लोगों का आता है, तो CNN में जो है okay.
CNN में सबसे पहले जो होता है ऑपरेशन वो होता है कन्वोल्यूशन लेयर, है ना। कन्वोल्यूशन लेयर में कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है, राइट। इसके बाद होता है पूलिंग लेयर, तो वो पूलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लैटनिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। वो उसको क्या कर देता है, सिंगल एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है ना। सिंगल वेक्टर के बाद यहाँ पे एक डेंस नेटवर्क आ जाता है, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। और फाइनली लास्ट में एक आउटपुट लेयर होती है जिसमें कि हम सॉफ्ट मैश एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, और इधर हम रेलवे एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं सब में, है ना। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि आउटपुट में जो है हमको कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, ठीक है ना। जिसकी हाई होगी हम उसी क्लास को एक्टिव कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ आउट ले इस आउटपुट लेयर में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स उतने होते हैं जितने हमारे पास क्लासेस होती हैं, है ना। तो यहाँ पे हम डिजिट्स को हम यहाँ पे टैकल कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आउटपुट लेयर में कितने होंगे, 10 होंगे, है ना। यहाँ पे हम सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, कन्वोल्यूशन लेयर, है ना। तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, कन्वोल्यूशन लेयर को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन लेयर में हम यूज़ करते हैं कॉन 2D, है ना। तो ये कॉन 2D क्या है, कन्वोल्यूशन लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2D है क्योंकि यहाँ पे हम 2D फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, है ना। 2D फिल्टर आपको एक बार बता देता हूँ, ये आपका आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2D इमेज है और ये वन डायमेंशनल कैसा आपका ये सॉरी 2D आपकी इमेज है और यहाँ पे 2D आपका यहाँ पे क्या है, फिल्टर है, ठीक है ना। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन आपको पता ही है कि इमेज के साथ ही कन्वॉल्व किया जाता है इस फिल्टर को, है ना। तो नेक्स्ट इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स जो पास करूँगा। पहला पैरामीटर है कि हम यहाँ पे कितने फ़िल्टर यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं 28 फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा, मेरे को कर्नल का साइज़ बताना होगा कि मैं कर्नल का साइज़ क्या ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो कर्नल आप जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कर्नल का साइज़ कितना है, 3x3 का है, है ना। तो ऐसे मैं यहाँ पर भी कर्नल का साइज़ कैसा ले रहा हूँ, 3x3 का ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो कर्नल साइज 3x3, ठीक है। कर्नल साइज डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे इनपुट शेप बताऊँगा। इनपुट शेप मतलब इमेज जो मैं लेने वाला हूँ एज इनपुट, उसका शेप क्या है। तो इनपुट शेप जो अपन पहले ही न्यूरल नेटवर्क में पहले डिफाइन कर चुके हैं इनपुट शेप को, है ना। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इनपुट शेप को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, 28x28x1, 28 रोज है इमेज में, 28 कॉलम है और 1 चैनल है, है ना। तो ये मैं इसको यहाँ पे इनपुट शेप में मैं इसको ले लेता हूँ, इनपुट शेप, ठीक है। तो ये मैंने एक लेयर ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में जो है, अब जो लेयर ऐड करूँगा वो होती है पूलिंग लेयर, है ना। तो मैक्स पूलिंग 2D, ठीक है। तो मैक्स पूलिंग में भी मैं यहाँ पे मेरे को पूलर का साइज़ बताना होगा। कूलर का साइज़ जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है 2x2, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो मैं लेयर ऐड करने वाला हूँ वो लेयर है फ्लैटन लेयर, जो कि आपका आउटपुट को जो है सिंगल डायमेंशनल के वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है न्यूरल नेटवर्क के, ठीक है। तो फ्लैटन
ये आपके न्यूरल नेटवर्क को सिंगल डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो पूलिंग का जो आउटपुट आएगा उसको वो सिंगल डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो लेयर है, डेंसली कनेक्टेड लेयर है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 128 होंगे, ठीक है। और एक्टिवेशन फंक्शन जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो रेलू यूज़ करूँगा, क्योंकि ये हिडन लेयर है। तो हिडन लेयर पे मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे मैं रेलू एक्टिवेशन का यूज़ करूँगा, तो उस एक्टिवेशन को फंक्शन को बताने के लिए मेरे को क्या लिखना होगा, एक्टिवेशन के इक्वल में मेरे को लिखना होगा tf.nn.relu, है ना। तो tf.nn क्या है, टेंसर फ्लो का न्यूरल नेटवर्क का एक ये मॉड्यूल है। उसमें जो है न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो डिफाइन किए गए हैं ना। तो tf.nn.relu से मैं relu का यूज़ कर सकता हूँ, relu ऑपरेशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मैं, अच्छा मैंने यहाँ पर डांस नहीं लिखा है, नेक्स्ट जो मैं लेयर ऐड करूँगा वो आउटपुट लेयर होगी। आउटपुट लेयर में मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि ये क्लासीफायर है, क्लासीफिकेशन की प्रॉब्लम है, हम हमेशा सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, है ना। ये भी डांस कनेक्टेड है, ठीक है। तो 10 न्यूरॉन्स होंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस 10 है, तो नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स भी इसमें कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो होगा tf.nn.softmax, ओके। नेक्स्ट मैं जो यूज़ करूँगा, अच्छा मैंने यहाँ पे ड्रॉप आउट यूज़ नहीं किया, ड्रॉप आउट आपको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जो कि मॉडल को ओवरफिटिंग से बचाने के लिए किया जाता है, है ना। तो इसमें एक ड्रॉप आउट लेयर भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जो ड्रॉप आउट मैं कितना ले रहा हूँ यहाँ पे, ड्रॉप आउट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 0.2, मतलब 20% न्यूरॉन्स यहाँ पे जो है ड्रॉप आउट किए जाएंगे, है ना, ओवरफिटिंग को दूर करने के लिए। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, मॉडल को कंपाइल करना है, मॉडल डॉट कंपाइल, ठीक है। उसमें मेरे को ऑप्टिमाइज़र बताना होगा कि मैं कौन सा ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, मैडम ऑप्टिमाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, लॉस फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस हैं, क्लासेस के केस में हम यहाँ पे स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। स्पार्स ठीक है। और एक और चीज़ जो मेरे को डिफाइन करना है वो है मैट्रिक्स, कि मैं जो एवेल्युएट करने वाला हूँ तो वो मेरे को आउटपुट किस फॉर्म में देगा, मतलब मॉडल की परफॉर्मेंस मैं किस मैट्रिक्स से मेज़र करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक्यूरेसी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं आउटपुट में जो है मेरे को क्या चाहिए, परफॉर्मेंस के तौर पर एक्यूरेसी चाहिए मॉडल की। तो ये मैंने मैट्रिक बता दिया है, जिस मैट्रिक के बेसिस पे मैं अपने मॉडल को एवेल्युएट करूँगा, परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट मॉडल को कंपाइल क्लिक कर दिया है, अब मेरे को मॉडल की ट्रेनिंग करवानी है। तो मॉडल डॉट फिट से आपको पता ही है कि मॉडल डॉट फिट फंक्शन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल को ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो उसमें आपको ये बताना होता है कि आपका ट्रेनिंग इनपुट क्या है, ट्रेनिंग आउटपुट क्या है, और आप कितने ईपॉक्स ले रहे हैं, है ना। तो मेरा एक्स हो जाएगा
एक्स ट्रेन, और मेरा वाई हो जाएगा वाई ट्रेन, और ईपॉक्स मैं यहाँ पे सिर्फ ले रहा हूँ 10 ईपॉक्स ले रहा हूँ। ओके ठीक है, अब हमको मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे मॉडल डॉट इवेल्युएट। ठीक है, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बताना होगा, हमको टेस्टिंग डेटा देना होता है इवेल्युएट करने के लिए, क्योंकि हम जो भी टेस्ट किया जाता है वो हम ट्रेनिंग डेटा पे नहीं करते, हम हमेशा टेस्टिंग डेटा पे करते हैं। तो हमको यहाँ पे ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट दोनों उसको एज ए पैरामीटर देना होता है इवेल्युएट फंक्शन को। तो फिट फंक्शन में हम हमेशा ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट देते हैं, और इवेल्युएट फंक्शन में हम हमेशा टेस्टिंग इनपुट और टेस्टिंग आउटपुट देते हैं। तो ये तो हमने डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा मॉडल, मतलब कहीं कोई मिस्टेक ना हो। हम उसको रन रन करते हैं, एक एरर आ रहा है, लाइन 30 डॉट कंपाइल। ऑप्टिमाइजर लॉस इसमें स्पार्स का एस स्मॉल आएगा, कैटेगरिकल का सी, कॉस एंट्रोपी का सी भी स्मॉल आएगा। ओके करता हूँ, तो आप रन करने के बाद जो है मेरे को यहाँ पे जो है एक्यूरेसी जो मेरे को मिल रही है वो 98% है, 98.6% मेरे को यहाँ पे एक्यूरेसी मिल रही है। ठीक है, अभी भी प्रोग्राम जो है रन हो रहा है। ओके, तो ये फिर से मैंने जो है रन कर दिया है, तो ये देख रहे हैं कि हर ईपॉक में जो है एक्यूरेसी जो है बढ़ती जा रही है। फर्स्ट ईपॉक में 94% एक्यूरेसी है, सेकंड ईपॉक में एक्यूरेसी जो है थोड़ी ज़्यादा आ रही है ना, 97 के आसपास की एक्यूरेसी आ रही है। तो ऐसे जो है जब इसके 10 ईपॉक्स हो जाएंगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और ये मैं प्रीवियसली जो मैंने इसको रन किया था इस मॉडल को, ये उस टाइम पे मेरे को जो है यहाँ पे एक्यूरेसी जो मिली थी आउटपुट में वो मेरे को मिली थी 98%, है ना। तो इस तरीके से आप अपने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।